राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार जितना उम्मीदवारों को नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों में है जो बीजेपी की हैट्रिक या फिर उसमें सेंध लगा पाने वाले चेहरों को देखना चाहते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिन पर मतदान हो चुका है। सभी को इंतजार है 4 जून का, लेकिन इन सबके बीच चर्चा में है प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। दौसा के सांसद रहे किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किरोड़ी बाबा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। किरोड़ी लाल मीणा की जीत के साथ बीजेपी ने भी सत्ता में वापसी की और किरोड़ी बाबा बन गए प्रदेश सरकार में मंत्री। मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक माने जाने वाले किरोड़ी बाबा के मंत्रालय को लेकर कहा जाने लगा कि उनको उनके संघर्षों का फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें जो पोर्टफोलियो मिला उससे उनके समर्थक जरा भी खुश नहीं थे। अब लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी हैट्रिक के लिए दम भर रही है और इसका सारा दारोमदार नए मुखिया भजन लाल शर्मा और उनकी टीम पर था, मतदान हो चुका है और इंतजार है नतीजों का। लेकिन उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा अब कहने लगे हैं कि सिर्फ दौसा ही नहीं बल्कि 6 अन्य सीटों पर हार हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने एक चैनल को दिया इंटरव्यू और उसमें कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दौसा समेत 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर इनमें से किसी एक पर भी हार होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस पर जब संवाददाता ने उनसे उन सीटों का नाम पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि दौसा समेत वो कौन सी 7 सीटें हैं जिसमें हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने का दावा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं दौसा की सीट से जहां प्रधानमंत्री मोदी ने किरोड़ी बाबा के साथ रोड शो किया था। दौसा को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस के टिकट पर सचिन पायलट को 2004 में जीत मिली थी। इसके बाद से इस सीट पर बीजेपी या फिर निर्दलीय के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा यहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार यहां से कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटते हुए कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है। अब क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा यहां से सांसद रह चुके हैं और दौसा में मीणा गुजर वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जा रहा है कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने कन्हैया लाल की जीत का दारोमदार उन पर छोड़ दिया। दौसा के बाद आती है सीट जयपुर ग्रामीण जहां से बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को तो वहीं कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को टिकट दिया है। यह सीट बीते 2 बार से बीजेपी के खाते में थी। इस सीट का प्रभार सौंपा गया है किरोड़ी लाल मीणा को, जबकि यहां से अनिल चोपड़ा के समर्थन में सचिन पायलट ने प्रचार अभियान में अपना काफी पसीना बहाया है। तो इस सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर लोकसभा सीट की जहाँ बीजेपी ने दाव आजमाया है रामस्वरूप कोहली पर, तो उधर कांग्रेस ने युवा महिला चेहरे के रूप में संजना जाटव पर दाव खेला है। इस सीट पर माना जा रहा है कि लड़ाई 2 प्रत्याशियों की नहीं बल्कि 2 दिग्गजों की है, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। फिलहाल किसके सियासी कद में इजाफा होगा ये अभी देखना होगा। वहीं करौली धौलपुर में गुजर मतदाता बाहुल्य है और यहाँ बीजेपी की इंदु जाटव का मुकाबला कांग्रेस के भजन लाल जाटव से है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर भी कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस सीट के परिणाम से भी किरोड़ी बाबा की साख जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर की जहां सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा का सीधा मुकाबला माना जाता है क्योंकि इसे दोनों का ही गढ़ माना जाता है। दरअसल सवाई माधोपुर से विधायक किरोड़ी लाल मीणा तो टोंक से विधायक है सचिन पायलट। यहां से कांग्रेस के टिकट पर हरिश्चंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से सुखबीर जौनपुरिया अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं। लेकिन यहां किरोड़ी बाबा का सीधा मुकाबला सचिन पायलट से है। अलवर की अगर बात करें तो अलवर में यादव बनाम यादव की लड़ाई है, जिसमें किरोड़ी के लिए चुनौती ये है कि उन्हें बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव को जिताना है, जबकि कांग्रेस के ललित यादव भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या फिर इन सभी सीटों पर जीत हासिल होने के बाद किरोड़ी लाल मीणा के सियासी कद में और इजाफा हो जाएगा? क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।